वेलकम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रॉम होम मैं आपको वेलकम करती हूँ। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो घंटे के बटन दबाना मत भूलिए, और दोस्तों वे मूवी एंड तरीके से करना भी मत भूलिए। दोस्तों आज मैं मामा बना रही हैं, आज मैं मामा बना रही है स्टीम रोस्ट। मामा अपने स्टाइल से बना रही है, बहुत टेस्टी बनाती है मामा। तो आइए उसकी रेसिपी स्टार्ट करें, आप देखिए उसके इंग्रेडिएंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यस, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश होती है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन टच कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना, लाइक करना मत भूलें। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम, अपने स्टाइल से बनाऊँगी। ये देखें, ये मैंने चार अदर लेग पीस ले लिए हैं थाइस के साथ, धोकर मैंने इन्हें अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। चले आए जैसे भी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, अब ये मैं ऐसे रख देती हूँ। इन्हें पहले मैं फ्राई करूँगी, फ्राई करके फिर मैं बाद में मसाला लगाऊँगी। ये तीन ही आए हैं, एक बाद में करूँगी। ये देखें, इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा लाइट कलर आएगा तो फिर मैं इसे कलर आएगा फिर मैं इसे निकाल लूँगी, फिर बाद में मैं इसमें मसाला डालूँगी। दोस्तों देखें, इसकी भी मैंने स्पेस बना लिया, मैंने इस वाली भी पीस को डाल दिया। ये देखें, ये भी इन्हीं के साथ फ्राई हो जाएगा, फिर ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, ठंडा करके इसे मसाला लगाना। ये देखें, चारों पीस आसानी से आ गए हैं। दोस्तों देखें, अब मैं इनकी साइड चेंज करने लगी हूँ। ये देखें, ऐसा लाइट गोल्डन कलर मुझे चाहिए था, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया। पहले मैं इनकी साइड चेंज कर लूँ, फिर मैंने तरतीब से लगाती हूँ। अब 5 मिनट मैं और इन्हें इसी साइड पे ऐसे पकाऊँगी। दोस्तों मसाला तैयार करते हैं। 3 चम्मच दही लिया है दोस्तों, 1 ड्राई लहसुन पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच लहसुन का पाउडर डाल दिया। देखिए मसाले हैं रेड होंगे। दोस्तों ये मैंने ना सूखा धनिया, सफ़ेद जीरा और काला जीरा पीस कर रख दिया था, भूना हुआ है वो पीस कर रख लिया। 2 चम्मच ये डालूँगी, 1 चम्मच के करीब मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर डालूँगी, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच के करीब ही मैं इसमें वो डालूँगी सफ़ेद जीरा। इस मसाले को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब लहसुन और हरी मिर्चें चॉप की भी वो डाल देती हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। दोस्तों मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया, लहसुन जो है वो मैंने ड्राई डाला है, 1 चम्मच के करीब डाला है। ये देखिए, इसमें 1 चम्मच के करीब मैं सोया सॉस डाल दी, 1 चम्मच के करीब मैं इसमें चिली पाउडर वो चिली सॉस, 1 चम्मच के करीब मैं इसमें विनीगर डाल दी। दोस्तों मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। दोस्तों इसमें मैंने 1 चुटकी के करीब रेड कलर डाला है। ये देखिए मसाला हमारा रेडी है। अब मैं चिकन कढ़ाई में से निकाल कर उसे ठंडा करके फिर मैं मसाला लगाती हूँ। मसाला लगाते हुए भी मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों देखें, चिकन हमारी फ्राई हो गई है, अब मैं इन्हें निकालती हूँ। लाइट गोल्डन कलर मुझे चाहिए था, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया।
नमक डालना मैं भूल गई थी, और दूसरी बार मैंने चिकन को भी ना नमक नहीं लगाया। ये देखें लेग पीस अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। मैं इसे मसाले एक एक करके मसाला लगाती हूँ। इसे तकरीबन मैं 3 से 4 घंटे के लिए मसाला लगा के रख दूँगी। ये देखें मैंने मसाला अच्छी तरह से लगा दिया है। इसे मैं तकरीबन 1-2 घंटे के लिए रखूंगी और फिर मैं इसे स्टीम दूंगी। चिकन को देखें मसाला कितना अच्छा लग गया। अब मैंने कढ़ाई में डालकर स्टीम देती हूँ। मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया। अब मैं इसे ऐसे रखती हूँ। वैसे मैंने इसे ऑयल में फ्राई भी किया है। मैंने चारों पीस डाल दिए हैं। अभी फ्लेम इसका हाई है, जब तक स्टीम बनती है इसको मैं ढक्कन दे देती हूँ। स्टीम अच्छी तरह से बन जाएगी मैं इसका फ्लेम लो कर दूँगी। 1/2 घंटे के लिए मैं इसे लो फ्लेम पे रखूँगी। ये देखें इसमें स्टीम बन गई है। अब मैं इसकी फ्लेम लो कर रही हूँ। इसे 25 मिनट इस साइड पर पकाऊँगी, 25 मिनट दूसरी साइड पर पकाऊँगी। इसका ढक्कन उठा के देखती हूँ स्टीम। देखें दोस्तों कितनी ज़बरदस्त बन रहा है। अब मैं इनकी साइड चेंज करती हूँ। देखिए दोस्तों कितना प्यारा कलर इसमें आया है। अभी साइड पे भी मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसे स्टीम पे रखती हूँ। देखिए चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और कलर भी बहुत ज़बरदस्त है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। चले डिश आउट करते हैं। दोस्तों मैंने इसके साथ चिकन के साथ ना मैंने स्टीम रोस्ट के साथ बनाई है चटनी। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। इसमें है रेड चिली पाउडर, रेड चिली है, फ्रेश वाली लहसुन लिए हैं 6-7, 3-4 रेड चिली है और 7 गुड़ डाला, नींबू डाला। बहुत ही टेस्टी मज़े की, ज़ीरा डाला है 7 सॉरी मैंने इसमें। बहुत ही मज़े की बनी है, टेस्ट 7 देख के रायता। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है। आपको अगर मेरी व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना मत भूलें। और ये देखें आज मैंने दही की चटनी, तो मैं वैसे हर खाने के साथ बनाती हूँ, मूलियाँ बनाई हैं और साथ मैंने ये चटनी आज नहीं बनाई है। और ये सॉरी मैंने मूली काटी है और साथ ये चटनी है, गुड़ की चटनी मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। और ये देखें स्टीम कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। देखें कोई इसकी हड्डी में ब्लड नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना मत भूलें। मुझे कल तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखें।